दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आया हूँ, इसे हर घर में बनाया जाता है, पर 90% लोग तो इसको बनाने का सही तरीका है उसको जानते ही नहीं, जिससे उनकी छोले की सब्जी अच्छी नहीं बनती। तो आज मैं आपके लिए छोले की हलवाई रेसिपी लेकर आया हूँ। इसे सादी स्टाइल में पनीर डालकर बनाने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अशोक कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल में। ऐसी ही और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें, घंटी का बटन भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं छोले की ये रेसिपी। यहाँ पर 5 किलो ये सफ़ेद वाला काबुली चना लिया है, जो आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इससे लगभग 20 kg छोले की सब्जी बनकर तैयार होगी, जो 100 लोगों के लिए पर्याप्त है। इस रेसिपी के साथ साथ 5 लोगों की रेसिपी के लिए जो भी सामग्री की आवश्यकता होगी, उसकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। पहले इन चनों को अच्छे से धोकर हम ओवरनाइट भिगो के रखेंगे। इसको इस तरह से पानी से धो ले अच्छे से। चनों में कई बार डस्ट वगैरह होती है, वो अच्छे से धुल जाएगी, और इसको ओवरनाइट हम भिगो कर रखेंगे। अगली सुबह फिर छोले की सब्जी बनाना शुरू करेंगे। अगली सुबह छोलों में इस तरह से पानी डालकर इनको हम पका लेंगे। छोलों में पानी इतना होना चाहिए कि हमारे छोले अच्छे से डूब जाने चाहिए। छोला कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर खाने में टेस्ट नहीं आएगा। छोले को जब हम भिगोते हैं तो ये ओवरनाइट भीगने के बाद अपने साइज के डबल हो जाते हैं। अब छोलों को उबालते समय इसमें आंवला डाल लेंगे 50 ग्राम। आंवला इस तरह का होता है, ये सूखा आंवला होता है। इससे छोले का बहुत ही अच्छा काला कलर आता है, जो हम मार्केट में देखते हैं, शादियों में देखते हैं। इसको किसी कपड़े में बांधकर या इस तरह की पॉलीथीन में बांधकर, पॉलीथीन में इसमें सुराख कर देंगे कहीं कहीं से, ताकि आंवले का रस छोलों में जाता रहे। अब इसमें 100 ग्राम नमक डाल दिया है। बहुत से लोग छोलों को काला करने के लिए चाय पत्ती का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस तरह के चाय पत्ती वाले छोले खाने से अक्सर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। वहीं दूसरी ओर आंवला हमारे पाचन तंत्र को भी बढ़ाता है, तो जब भी छोले बनाए आप इसी तरह से सूखे आंवले का प्रयोग करें। अब इसमें 100 ग्राम रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। अब छोलों में और कुछ नहीं डालना है, बस इनको पकने देना है। जब ये पकेंगे तब मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह के हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से हमारे छोले उबल रहे हैं, और इनका कलर भी आना शुरू हो चुका है आंवले की वजह से, आप देख ले। आप जब भी घर पर छोले की सब्जी बनाएं तो पहले इसको उबालने के लिए इस तरह से खुले बर्तन का प्रयोग करें। इसको इसी तरह से खुले बर्तन में उबाल लें। अगर आप कुकर में उबाल रहे हैं तो पहले 3 सीटी आप इसमें लगवा लें, उसके बाद आप ढक्कन को हटा दें और इसको इसी तरह से खुले में पकने दें। इससे कई बार ओवर कुक होने से जो छोला छिलका छोड़ देता है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। छोला हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से उबलेगा। आप देख सकते हैं कलर कितना बेहतरीन आ चुका है। अब छोला पककर तैयार है। इसको उंगली अंगूठे से दबा के चेक कर ले, अच्छे से मैश होना चाहिए। अब इसके लिए ग्रेवी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर 20 kg टमाटर से ग्रेवी बनाई जा रही है। यहाँ पर येलो ग्रेवी बनाई जाएगी, इतने ही इसमें प्याज इस्तेमाल किए जाएंगे। टोटल ग्रेवी हमारी 50 kg बनकर तैयार होगी। छोलों के लिए हमें सिर्फ 10 kg ग्रेवी चाहिए। जितने हम छोले लेंगे उसके डबल हम ग्रेवी लेंगे। 10 kg ग्रेवी के लिए जो भी सामग्री चाहिए होगी, उसकी लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। पहले टमाटर को अच्छे से धो के साफ कर लेंगे। 1 kg लहसुन लिया गया है। इसकी सभी कलियों को इस तरह से अलग कर देंगे, क्योंकि ये पीसने वाले हैं। ये मशीन से पीसते हैं तो इसका छिलका मशीन से बिल्कुल छन जाता है। अगर आप घर पर कम मात्रा में बना रहे हैं तो इनको छील के पीस ले। अब यहाँ पर 20 kg प्याज लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर येलो टाइप ग्रेवी बनाई जा रही है, तो प्याज और टमाटर की मात्रा को बराबर रखा गया है।
प्याज को इस तरह से छील लेंगे, बाद में इनको पीसने वाले हैं। अब 2 केजी अदरक ले लिया गया है, इसको भी इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, बाद में इसको भी पीसने वाले हैं। अब 3 केजी हरी मिर्च ली गई है, हरी मिर्च को आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी घटा या बढ़ा सकते हैं। इनको भी इस तरह से डंठल तोड़कर पीसने वाले हैं बाद में। अब पहले टमाटर को बॉयल करने वाले हैं, इसके लिए टमाटर में 500 ग्राम रिफाइंड ऑयल डाल दिया है और इसको चलाते हुए पकाएंगे। टमाटर सॉफ्ट होने चाहिए, टमाटर नीचे तली में नहीं लगना चाहिए। इसको चलाते रहें जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाता, बाद में इसको पीस लेंगे। अब आप देख सकते हैं टमाटर सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है, इसको बिल्कुल सॉफ्ट करना है। अब जब तक टमाटर सॉफ्ट होते हैं, हम एक सीक्रेट मसाला बना लेते हैं जिसे हलवाई सब्जियों में बाद में गरम मसाले की जगह डालते हैं। अब 50 ग्राम साबुत धनिया लिया है, 50 ग्राम इसमें जावित्री डाल दी गई है, 50 ग्राम दालचीनी डाल दी है, जायफल के 4 पीस लिए हैं, 50 ग्राम काली मिर्च ली है, बड़ी इलायची ली है 50 ग्राम। अब इसमें जीरा लिया है 100 ग्राम, जीरे की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखी गई है। अब इसमें ये हरे वाली इलायची ली है 20 ग्राम। अब इसमें 10 ग्राम लौंग डाल दी है। अब गरम मसाले का सारा मटेरियल तैयार हो चुका है, इसको थोड़ा सेकने के बाद इसको पीस लेंगे। ये होममेड मसाला किसी भी सब्जी को 4 चांद लगा सकता है, हलवाई इसे अक्सर अपनी सब्जियों में डालने के लिए यूज करते हैं। इधर हमारा टमाटर भी उबलना शुरू हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें 100 ग्राम देगी मिर्च डाल दी है, देगी मिर्च से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा ग्रेवी में। अब इसमें 250 ग्राम मगज डाल दिया है, मगज से ग्रेवी थिक होगी और खाने में भी टेस्टी बनेगी। इसको चलाते रहेंगे इसी तरह से, नीचे टमाटर जलना नहीं चाहिए। अब इसमें इन्होंने 250 ग्राम काजू डाल दिया है, काजू से भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी का, बहुत ही शानदार ग्रेवी बनने वाली है। 250 ग्राम इसमें बादाम डाल दिया है। अब इसमें इन्होंने 500 ग्राम नमक डाल दिया है, नमक डालने से टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। इसको चलाते हुए इसी तरह से सॉफ्ट करेंगे। अब 5 मिनट पकने के बाद इसमें 25 ग्राम कसूरी मेथी डाल दी है। अब इसमें 100 ग्राम हल्दी डाल दी है। टमाटर को पकाते समय गैस के आंच को मीडियम रखें, नहीं तो टमाटर नीचे लगकर जल जाएगा, जिससे टेस्ट खराब हो जाएगा ग्रेवी का। अब टमाटर हमारा पक चुका है, इसको पकने में लगभग 20 से 25 मिनट लगे हैं। अब इसको हम पीस लेंगे। अब इन्होंने जो गरम मसाला लिया था उसको इस तरह से प्लेट पर फैला दिया है, इसके नीचे छोले उबल रहे हैं, ये भाप में ही थोड़े रोस्ट हो जाएंगे। आप चाहे तो इनको अलग से किसी तवे पे या फ्राई पैन पे रोस्ट कर सकते हैं। इनको थोड़ा सा रोस्ट होने के बाद इसको मिक्सी से पीस लेंगे बारीक। अब इन्होंने जो अदरक काट के लिया था 2 केजी, उसको इस तरह से टमाटर में डाल देंगे, ये टमाटर के साथ ही पीसकर तैयार हो जाएंगे। अब पहले प्याज को पीस लेंगे, ज़्यादा मात्रा में प्याज होती है तो इस तरह से इस ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, अगर आप घर पर बनाते हैं तो छोटी मिक्सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इनको इस तरह से बारीक पीस लेंगे, प्याज को पहले पीस लेने देते हैं इस तरह से। अब टमाटर को भी इसी तरह से पीस लेंगे।
डालते जाएंगे और पीसते जाएंगे। हरी मिर्च को भी पीस के तैयार कर लिया है। इसी तरह से लहसुन को भी पीस लेंगे। अब ग्रेवी को तड़का लगाकर ग्रेवी तैयार कर लेंगे। अब सबसे पहले प्याज का इस तरह से पानी निचोड़ लेंगे किसी कपड़े में बांधकर। इसका सारा पानी इस तरह से निचोड़ लेंगे। हलवाई लोग इसी तरह से प्रयोग में लाते हैं प्याज को। अब 10 kg रिफाइंड ऑयल लिया है, इसको गर्म होने देंगे पहले। रिफाइंड तेल गर्म होने के बाद इसमें प्याज का पेस्ट डाल देंगे जो हमने लिया था। अब इसको चलाते हुए अच्छे से गोल्डन कलर का होने तक भूनेंगे। चलाते रहे प्याज को, जलना नहीं चाहिए एक साथ। प्याज को भूनते समय गैस का आंच मीडियम रखें। जितने मीडियम आंच पर आप प्याज को भूनेंगे उतनी ही टेस्टी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। चलाते रहे इसको। अब प्याज को भूनते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और प्याज ने भी कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी इसको और भूनना है बिल्कुल डार्क ब्राउन होने तक। इसको भूनने में कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएंगे। इसी तरह से चलाते रहें। अब 5 मिनट और भूनने के बाद इसमें 100 ग्राम जीरा डाल दिया है। जीरे को भी प्याज के साथ ही भूनेंगे। इसको इसी तरह से चलाते हुए भुने। प्याज का कलर डार्क होना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी भी इसको और भुनेंगे कम से कम 10 मिनट और। जितनी अच्छी तरह से हम प्याज को भुनेंगे हमारी ग्रेवी भी उतनी ही बेहतरीन बनेगी। इनको इसी तरह से चलाते हुए भूनते जाएं। अब प्याज अच्छे से भुन चुका है, आप देख सकते हैं। इस तरह का प्याज हमें भूनना है। बिल्कुल अच्छी तरह से एक कलर हो चुका है प्याज का। इसको भूनने में 25 मिनट के करीब लग गए हैं। अब इसमें 500 ग्राम बेसन डाल दिया है। बेसन को प्याज के साथ ही अच्छे से भूनेंगे। बेसन का फायदा ये होता है, कई बार टमाटर जैसे पानी छोड़ देता है, बेसन डालने से पानी नहीं छोड़ेगा और खाने में भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ग्रेवी बिल्कुल थिक बनेगी इससे। इसको प्याज के साथ ही इस तरह से भून ले अच्छी तरह से। अब इसमें इन्होंने 50 ग्राम हल्दी पाउडर और डाल दिया है। इसको भी प्याज के साथ भूनेंगे। चलाते रहेंगे। अब इन्होंने 2 kg हरी मिर्च का पेस्ट इसके अंदर डाल दिया है। हरी मिर्च को आप अपने स्वाद के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। चलाते हुए मिर्च को भी प्याज के साथ भून लेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इस तरह से। अब इसके अंदर 1 kg लहसुन का पेस्ट डाल देंगे जो हमने लिया था पीसकर। लहसुन को प्याज के साथ अच्छे से भूनेंगे। लहसुन का कच्चापन निकल जाना चाहिए। बिल्कुल अच्छी तरह से इसको भूनना है। इस तरह से चलाते रहेंगे। इसको चलाते रहें, बिल्कुल अच्छी तरह से भूनना है। इसको भी भूनते समय आप गैस का आंच मीडियम ही रखें। मीडियम आंच पर ही सारा मसाला भुने। इसे बहुत अच्छी तरह से मसाला भुनेगा। मसाला कितनी अच्छी तरह से भुन रहा है आप देख सकते हैं क्लियरली। बिल्कुल शानदार मसाला भुन रहा है हमारा। अब इसमें 100 ग्राम देगी मिर्च पाउडर डाल देंगे। देगी मिर्च से बहुत ही अच्छा कलर आएगा। इसको चलाते हुए इस तरह से मसाले के साथ ही भुने। चलाते रहें। अब मसाला अच्छे से भुन चुका है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल बेहतरीन मसाला हमारा भुनकर तैयार हुआ है। अब इसमें अपना पिसा हुआ टमाटर का पेस्ट डाल देंगे इस तरह से, और इसको भी चलाते हुए पकाना है। जब तक ग्रेवी ऊपर से तेल नहीं छोड़ देती तब तक इसको इसी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। टमाटर को अच्छी तरह से चलाते रहें। तली में नहीं लगना चाहिए टमाटर।
टमाटर की ग्रेवी जब ऊपर से तेल छोड़ देगी तब जाके हमारी ग्रेवी तैयार होगी। जब तक ग्रेवी पकती है इसमें डालने के लिए मसालों को ऐड कर लेते हैं। सभी मसालों को स्टव में मिक्स करेंगे। इन्होंने 100 ग्राम गरम मसाला, 100 ग्राम किचन किंग मसाला और 100 ग्राम मीट मसाला लिया है। अब आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हुई है। ग्रेवी ने ऊपर तेल छोड़ना शुरू कर दिया है, आप देख सकते हैं। इसको चलाते रहें। इन्होंने इन मसालों का प्रयोग किया है। अब इन्होंने 100 ग्राम अनारदाना और मिक्स कर दिया है। अनारदाना से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा ग्रेवी में। अब इन्होंने 100 ग्राम गरम मसाला डाल दिया है। अब 25 ग्राम इसमें कसूरी मेथी डाल दी है। अब इसमें 500 ग्राम धनिया पाउडर और 100 ग्राम चना मसाला और ऐड कर दिया है। अब सभी मसालों में इस तरह से थोड़ा पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। अब इसमें 100 ग्राम गाजर का लच्छा और 100 ग्राम अदरक का लच्छा डाल दिया है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा ग्रेवी का। बहुत ही शानदार ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। अब फाइनली हमारी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी शानदार ग्रेवी हमारी बनकर तैयार हुई है। बिल्कुल बेहतरीन कलर आया हुआ है ग्रेवी का। ऊपर से आप देख सकते हैं देगी मिर्च से कितना अच्छा कलर आया है। इस ग्रेवी से आप जो भी सब्जी बनाएंगे वो बहुत ही बेहतरीन सब्जी बनेगी। यहाँ पर मटर पनीर, छोले और चाप बनाई जा रही है जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। अब उबाले गए छोलों को भी अच्छी तरह से धो लेंगे। उबालते समय जो भी झाग बनी थी, जो भी गंदगी होगी वो सारी साफ हो जाएगी। छोलों को इस तरह से आप अच्छी तरह से पानी से साफ करके ही प्रयोग में लें। अब छोलों में 10 kg ग्रेवी डाल देंगे। हमने 5 kg छोला लिया था जो फूलने के बाद 10 kg हो जाता है। जितना भी हम छोला लेंगे उसकी डबल हम ग्रेवी लेंगे। इस तरह से डाल देंगे। अब ग्रेवी को इस तरह से छोलों में मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब इन्होंने 2 kg उबला हुआ आलू लिया है, इसको इस तरह से बारीक तोड़ लिया है। हलवाई छोलों में आलू का प्रयोग जरूर करते हैं। आलू डालने से छोलों की जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाती है और खाने में भी टेस्ट बढ़ जाता है। अब इसको छोलों में डाल देंगे इस तरह से। आप भी घर पर जब भी छोले ट्राई करें तो उसमें आलू जरूर डालें, फिर आपका भी टेस्ट वही शादी पार्टी वाले छोलों जैसा आएगा। अब यहाँ पर मटर पनीर के लिए पनीर काटा जा रहा है। इसी में से 2 kg पनीर को ले लेंगे छोलों में डालने के लिए। अब छोलों में 2 kg पनीर डाल दिया है इस तरह से टुकड़ों में कटा हुआ। मटर पनीर की रेसिपी की वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर रखी है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। अब इसमें 5 ग्राम हींग डाल दी है। हींग का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है छोलों में। अब एक बार नमक चेक कर ले, अगर नमक कम हो तो आप नमक डाल ले। यहाँ पर 50 ग्राम नमक और ऐड किया गया है। चलाते रहेंगे इसको इसी तरह से। अब इसमें 1 kg क्रीम डाल दी है। क्रीम का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ग्रेवी वाली सब्जी में। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल ना हो तो आप फुल क्रीम दूध डाल ले इसमें 2 kg। अब इसमें एक उबाल आने तक इसको पकने देंगे। अब छोले की सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। आप भी इस रेसिपी से एक बार छोले की सब्जी बनाकर जरूर खाएं और हमें बताएं कमेंट बॉक्स में आपकी सब्जी कैसी बनी। अब इसमें जो मसाला हमने तैयार किया था वो डाल देंगे। अब आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन सब्जी हमारी बनकर तैयार हुई है छोलों की। ऐसी ही और मज़ेदार रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों में भी शेयर जरूर कर दें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।